कहता हूँ। ओके सो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर की क्या क्या खसूसियात हैं। सो ये बड़ा जनरल सा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक से आप वाकिफ़ हैं, पहले ही ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ, कि कंप्यूटर जो है किसी भी प्रोसेस को बहुत हाई स्पीड पे कंप्लीट करता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन से। सो ह्यूमंस कैन टेक टाइम टू कंप्लीट एन यू कैन से कैलकुलेशन, वायर कंप्यूटर कैन डू इट इन नो टाइम। सो और ना सिर्फ ये बल्कि इट कैन प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कैलकुलेशंस कर सकता है एक सेकेंड से भी कम वक्त में। सो दैट्स हाउ स्पीडी इट इज, और इसने काम को बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए डेली लाइफ में। फिर सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टोरेज। स्टोरेज यू कैन इमेजिन के आपको आपके पास कितनी किस्म का डाटा मौजूद होता है, पिक्चर्स है, वीडियोस है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, तो वो तमाम डाटा अगर आपको खुद से मेमोराइज करना पड़े, ह्यूमन ब्रेन में मेमोराइज करना पड़े, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट और यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दैट ऑल द टाइम। आप सभी डाटा जो है ऑल द टाइम नहीं रिमेंबर याद रख सकते, लेकिन कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो वी कैन स्टोर डाटा, एनी काइंड ऑफ डाटा, ठीक है, एट एनी टाइम ऑफ द डे, और कंप्यूटर थकता नहीं है, इट कैन नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड, और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है इससे हम जब एक्सेस करते हैं अपने डाटा को, सो इट इज़ वेरी क्विक, और किसी भी किस्म का हम डाटा मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करते हैं, सो इट डज नॉट मेक एरर इन इट। सो स्टोरेज, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो इट इज़ अ वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर। Then the processing, you know that, we know that a computer jo hai wo instruction ko process karta hai, so ye instruction different kind ki ho sakti hai, matlab at a time aap music bhi sun rahe hote hain, at a time aap video bhi dekh sakte hain, at a time aap typing bhi kar rahe ho sakte hain, so textual input ya output de rahe ho sakte hain, so you can perform multiple tasks at the same time. So प्रोसेसिंग जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं मोस्टली, लेकिन लाइक वुमेन और मदर्स दे नॉर्मली आर कैपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग, बट नॉर्मली मैन दे डोंट प्रेफर मल्टीटास्किंग एट ऑल, सो इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, बट कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो डू मल्टीटास्किंग और इट कैन डू इट एनॉर्मसली, मतलब ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रोसेस को एक टाइम पे ये प्रोसेस कर सकता है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम पे प्रोसेस कर सकता है। सो दैट्स द प्रोसेसिंग, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। देन द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स, वट एवर प्रोसेस इंस्ट्रक्शन यू गिव टू द कंप्यूटर, द रिजल्ट यू गेट इज ऑलवेज वेरी एक्यूरेट और हाईली एक्यूरेट, और इट इज लेस प्रोन टू एरर। कंप्यूटर चूंकि एक मशीन है, इसमें कोई इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग खुद से नहीं है, तो जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे वही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, एरर फ्री रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप कोई क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, हम कोई रीड करते हैं, कोई प्रिंट करते हैं, सो नॉर्मली इट इज़ हाईली एक्यूरेट अनलेस अंटिल देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर इंस्ट्रक्शंस। देन रिकॉलिंग का मतलब ये है कि जो आप डाटा स्टोर किया है उसको रिकॉल करना, उसको एक्सेस करना इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और वैसे एक्सेस करना। सो रिकॉलिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, एंड सो वी कैन स्टोर डाटा इन द कंप्यूटर एंड वी कैन रिकॉल इट और एक्सेस इट एट लेटर स्टेज एंड एट एनी टाइम ऑफ द डे।
and you can access it in just a fraction of a second or just in very little time. So then the control sequence. So control sequence means that जब इंसान को कोई आप काम देते हैं तो sometimes it happens के we are diverted from that task जो हमारे क्योंकि हम human हैं हमारी और भी needs हैं basics हैं so आपको हो सकता है आपको कोई कोई एक task दिया जाए तो आपको भूख लग जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए so in that case you can you are distracted or आपने given sections या time frame को follow नहीं किया so but computer it is ये इन सब चीजों से जो है वो आजाद है so it, ये strictly follow करता है उन instructions को और उनके order को जो उस तरह दी जाती है so it is one of the characteristic of the computer then consistency computer is very consistent in whatever task you make it do और इसके कंसिस्टेंसी किस चीज से आती है कंसिस्टेंसी आती है कि जब आप when someone is doing the same amount of work whether it is heavy or light type of work with the equal concentration ठीक है आपकी कंसंट्रेशन लूज ना हो हर बार जब आप एक काम करें so unlike humans computer can be is always consistent and it always but it does not get bored or tired theek hai sometimes hota hai ki aap agar ek kaam repetitively kar rahe hain and dobara kar rahe hain so you will eventually get bored or tired or you will lose interest in that kaam in that you can say task so so basically consistency is a very good feature of or characteristic of the you can say computer sorry I have to take the call I will just pause the so I'm back actually baar baar phone aa rahe hain kyunki wo orientation ke silsile mein anyways hum isko jaldi wind up karte hain then another characteristic of the computer is the communication itself or computer we can communicate with each other effectively and quickly और इसमें आपके पास जैसा कम्युनिकेशन डिवाइस है आपका मोबाइल डिवाइस है खुद से एक कम्युनिकेशन डिवाइस है सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज द कंप्यूटर वेरी वर्सटाइल वर्सटाइल से मतलब ये है कि कंप्यूटर एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कंप्लीट कर सकता है मतलब वो गेम भी प्ले कर सकता है म्यूजिक भी प्ले कर सकता है इट कैन ऑल्सो you can do some textual work or graphics or whatever so it can do variety of work so it is very versatile then another important characteristic is that computer does not have any feeling so whatever task you do it will not mind doing that work so ye uske mood pe depend nahi karta ki wo karna chahta hai ya nahi karna chahta lekin in humans ke case mein normally we are mood dependent then computer ki apni koi intelligence nahi hoti theek hai वो जस्ट गिवन इंस्ट्रक्शंस को जो है फुलफिल करता है और आपको आउटपुट देता है सो कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑन इट्स ओन यस वी कैन इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंस इनटू द कंप्यूटर देन द कॉस्ट रिडक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि नॉर्मल ह्यूमन जो काम करते हैं उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है मटीरियल्स की इवन ह्यूमन्स की अपनी सो लेकिन कंप्यूटर बेस्ड जो काम होते हैं उसमें आपको किसी को तनख्वाह नहीं देनी सो इज अ लो कॉस्ट सो देयर इज अ लो कॉस्ट एसोसिएटेड विद मोस्ट ऑफ द वर्क लाइक अगर आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं अगर कोई ह्यूमन कर रहा है तो यू हैव टू गिव दैट वर्कर सम पे बट अगर वही एम्ब्रॉयडरी कंप्यूटर कर रहा है तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन द पेमेंट यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट वन टाइम इन द मशीन कंप्यूटर एंड जस्ट यू गेट द मशीन एंड यू विल use it for many years so that's how it works so these are some of the characteristic of the computer aaj ke liye hum itne rakhte hain aapki attendance mark karte hain agar isse related koi sawal hai kisi ke zehen mein to please abhi kar lijiye because in a while I will be signing off
ओके सो बेसिकली अभी मैं अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ और जस्ट फॉर टुडे आई गेस मैं सभी की अटेंडेंस प्रेजेंट कर देता हूँ सो दैट एवरीवन इज गुड एंड हैप्पी. ठीक है सो जस्ट एंजॉय. सो ओके स्टूडेंट्स अगर कोई अटेंडेंस नहीं है तो इंड्यूस इंटेलिजेंस का उसने पूछा है किसी ने कि कैसे कर सकते हैं. सो इंटेलिजेंस जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात करते हैं हम लोग तो आर्टिफिशियली हम उसमें कुछ प्रोग्राम्स लोड कर देते हैं जो उसकी एक्सपीरियंस जो जो डाटा वो एक्सपीरियंस करता है उससे लर्न करता है और उसकी बेस पे वो फ्यूचर जो है प्रेडिक्शंस या फ्यूचर के जो टास्क कंप्लीट करता है. ठीक है. So this is how we induce the intelligence.